हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा, इस वीडियो में हम समझेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर? तो देखिए बेटा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है? जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर लाइट एंटर करती है, मान लीजिए सन से लाइट की रेज आई और हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर किया, तो एटमॉस्फेयर के अंदर आपको पता है बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस होती हैं, अलग अलग गैस के एटम्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में। क्या प्रेजेंट है? अनेक बहुत सारी गैसेस हैं, उन गैसेस के अपने एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एटमॉस्फेयर में फैले हुए हैं। जब सन से लाइट की रेज आती है और इन एटम या मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करेगी, बीच में रास्ते में है वो एटम और मॉलिक्यूल, तो इनसे टकरा जाएगी, तो कुछ लाइट तो सीधी निकल जाती है, लेकिन कुछ लाइट की रेज क्या करती हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं इन एटम या मॉलिक्यूल द्वारा। मतलब ये एटम और मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, गैसों के जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं या और कोई पार्टिकल्स है, वो इस लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या करेंगे? अपने अंदर लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और कुछ टाइम बाद फिर क्या करेंगे, ये उसी लाइट को बाहर निकाल देंगे। पहले तो लाइट की रेज को एब्जॉर्ब करेंगे और बाद में उस लाइट को बाहर एमिट कर देंगे, बाहर छोड़ देंगे। तो पहले लाइट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आ रही थी, ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन से लाइट की रेज आ रही थी, तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स ने लाइट को एब्जॉर्ब किया और सभी डायरेक्शन में दोबारा से एमिट कर दिया उसको। लाइट की रेज को एब्जॉर्ब किया अपने अंदर, फिर उसको सभी डायरेक्शन में फैला दिया। इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब कि बेटा देखिए, जब व्हेन द लाइट रे एंटर द एटमॉस्फेयर, लाइट रे ने हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर किया, देन जो मॉलिक्यूल्स थे अलग अलग गैसों के, उन्होंने लाइट की रेज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, देन दीज एटम्स एंड मॉलिक्यूल ऑफ गैस री एमिट द लाइट। फिर इन मॉलिक्यूल्स ने, एटम्स ने क्या किया, लाइट की रेज, मतलब जो अपने अंदर से जो लाइट है उसको दोबारा से निकालना शुरू कर दिया। पहले उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, फिर उसको निकालना शुरू कर दिया, वो सभी डायरेक्शन में फैला देंगे उसको, ठीक है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। क्लियर है? अब जो पार्टिकल्स थे या एटम थे या मॉलिक्यूल थे जिनकी वजह से लाइट में स्कैटरिंग आई, उनको बेटा क्या बोला जाता है? स्कैटरर्स। क्या बोला जाएगा उनको? स्कैटरर्स। एटम, मॉलिक्यूल और द पार्टिकल विच स्कैटर द लाइट आर कॉल्ड स्कैटरर्स। क्लियर है बेटा? एंड द इंटेंसिटी ऑफ द स्केटर्ड लाइट, जो स्केटर्ड लाइट की इंटेंसिटी है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4। मतलब क्या हुआ बेटा, देखिए, वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी, लाइट इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ है ये लैम्डा। मान लीजिए जो लाइट आ रही है, रेड लाइट है, ब्लू लाइट है, अलग अलग कलर की लाइट है, अगर उसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी तो स्केटरिंग उतनी कम होगी। वेवलेंथ कम होगी तो स्केटरिंग ज्यादा होगी। बात समझ में आई है ना? इसकी एप्लीकेशन क्या है, कहां कहां पर यूज होती है? बहुत सारी एप्लीकेशन है, कुछ उनमें से मेन एप्लीकेशन क्या है, ब्लू कलर ऑफ द स्काई। स्काई का कलर कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है। सनराइज के टाइम सन का कलर रेड होता है, सनसेट के टाइम भी रेड होता है। बादलों का कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है। तो ये सभी कलर्स किसकी वजह से हैं? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर है? तो इस वीडियो में केवल हम यही समझेंगे, इसके हमने यही समझा स्कैटरिंग ऑफ लाइट है क्या, और इसकी जो एप्लीकेशन है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। क्लियर है बेटा? ओके, बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।